My dear YTF warriors, I will not take the name of CM, Minister, MLA, EM, MDC, MLA. I will not take the names of chairmen, zonal chairmen, because 3 years ago nobody was a MLA, nobody was a chairman, nobody was a minister, nobody was a EM or a MDC. 3 years ago we were all warriors, and today you have become MLAs, ministers, chairmen, CM, MDCs, MLAs, only because of the hard work of our warriors, not because of yourself. It was a team effort. I recognize that. Main isko janta hoon. I recognize it. Why did we win? क्यों जीता किपरा मोथा? Why did YTF? अगर YTF नहीं होता, TWF नहीं होता, किपरा मोथा नहीं जीतता. Yesterday, रविंद्र बाबू आप था वहां में, कल मीटिंग था EC का, काउंसिल का. मीटिंग में एजेंडा आता है जॉब्स का, नौकरी का, वन टाइम रिलैक्समेंट के करते, वन टाइम करते करते हम लोग किसी को प्रमोट करते जा रहा है, जो रिटायर हो गया उसको वापस नौकरी दे रहा है, लेकिन यूथ जो ग्रेजुएट है, जो यंग है, जो अंडर ग्रेजुएट है, जो क्वालिफाइड है, उनको नौकरी नहीं दे रहा. हमने बोला कि ये रूल को आप खत्म करो. अब अगर आपको नौकरी देना है, अगर क्वालिटी चाहिए आपको, तो जिसका टाइम किया उसको आप वापस भी हायर कर रहे हो. जो क्वालिफाइड नहीं है उसको आप अपग्रेड कर रहे हो, और जो क्वालिफाइड है वो भी आज बेरोजगार है. Our job is to give jobs. As a policy, कल के मीटिंग के बाद मैंने कहा ये वन टाइम रिलैक्समेंट नहीं होगा, और जो रिटायर कर चुका है उसको नेक्स्ट टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. अब यंग लोगों को, हम लोगों को नौकरी देना पड़ेगा. लीडरशिप को समझने के लिए आपके पास एक हिम्मत होना चाहिए. ऋषिकेतु, यू जस्ट स्पोक अबाउट योर कमिटमेंट टू किपरासा पीपल. आज से 5 साल पहले 6 साल पहले माधवबारी में क्या हुआ, उस दिन, दैट डे I called up our Kiprasa minister, I will not take his name, and I told him 5 people have been shot in Madhavbari. Show your solidarity with your Kiprasa people. He kept quiet. Today I'll tell you, main aapko bolna chahta hoon. आज अगर मैं अपने लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, अपने एडीसी में अपने लोगों को अधिकार नहीं दे सकता, अपने पार्टी में अपने लोगों को बीएससी चेयरमैन का पद नहीं दे सकता, वीसी इलेक्शन नहीं कर पाता, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ बीइंग इन द गवर्नमेंट. वी बेटर सिट इन द ऑपोजिशन.
आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड 5 years सिटिंग इन दी गवर्नमेंट एंड नॉट बीइंग एबल टू हेल्प माय कम्युनिटी माय पीपल। और जिसको रहना है रह जाओ, बुबाकरा नहीं रहेगा। Yesterday in the EC, Ravindra Babu, I told you, give people job or we will be out of job ourselves. और एक पॉलिसी डिसीजन लिया है, ये क्वेश्चन पेपर आंसर्स क्वेश्चन की आंसर की लीक होने के बाद मैंने कल से एक कानून बनाया है कि कोई भी एग्जाम वर्क इन इंटरव्यू, पूर्णो आप यहां में है, कोई भी एग्जाम वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू नहीं होगा। जो क्वालिफाइड पोस्ट है, पीओ का पोस्ट है, इंजीनियर का पोस्ट है, वॉक इन इंटरव्यू से नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा। बिना रिटन एग्जाम का किसी को वॉक इन इंटरव्यू से नौकरी नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था। किसी का दोस्त है आप, किसी का रिश्तेदार है आप, उनको नौकरी मिल रहा है, नहीं। आर जॉब इज टू Give my next generation, our young Tiprasa boys and girls, a chance not to become comfortable sitting in Khumbulo. और मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहां में मानव है, पठान है, अपना सौदागर है, देवजीत है, विश्वजीत, उमा, यहां में पितौर है, सोहेल है, पॉल, युवा है, धीरेन, फिलिप, गणेश, you're all young people. इतना यंग, किसी को इतना पहले इतना चांस नहीं मिलता है। बुबाकरा ने आपको चांस दिया, ये चांस आप लेकर काम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मत भूलो, फॉर एवरी पॉल, फॉर एवरी सोहेल, फॉर एवरी देवजीत, सदागर, रुनिल, उमा, विश्वजीत, मानव, पठान, फिलिप, धीरेन, फॉर एवरी वन ऑफ यू देर आर 10,000 टीप्रासास हु हैव नो अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, यू हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, वर्क फॉर योर पीपल फर्स्ट। एज अ पॉलिसी अगर हमको कुछ करना है तो सबसे पहले अधिकार के बारे में, अग्रीमेंट साइन हुआ है, रुनिल ने बोला वी आर रेडी फॉर एजिटेशन, आंदोलन, तो किसने आपको रोका? करो, हमने बोला है नहीं करने के लिए। अगर किसी के पेट में खाना नहीं है तो क्या मैं चुप बैठूं, रोटी बना के रखूं? अगर किसी को, किसी का घर टूट रहा है तो क्या मैं वेट करते रहूं? किसी का मां या पिताजी बीमार है, हॉस्पिटल में कैंसर से मर रहा है, तो क्या मैं वेट करते रहूं? कब तक तिपराशाह को हम लोग बेवकूफ बनाएंगे? पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स अब बुबाकरा के ऊपर छोड़ो, मैं हैंडल करता हूं उन लोगों को। आपका काम है कम्युनिटी में रहकर अपना लोगों के लिए काम करना। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये धंधा हो गया है पॉलिटिक्स। मिलता हूं, आई मीट पीपल, बुबाकरा यू डोंट गिव मी पोस्ट, I will not work for party. Go to hell. I don't care about you. Don't try to blackmail me. I could have been MP. I could have been CM. I could have been CEM. I could have been MLA. I could have been minister. I have not taken anything for myself. Huh? बनाना है तो तिपराशाह को कुछ देना है। थमसा को तोड़ने के लिए ये नेशनल पार्टीज, नाम नहीं लूंगा,
फाइनेंस करता है अपना टिपरा शाह को बुबागरा को अटैक करने के लिए। हिम्मत नहीं है इनका बोलने के लिए कि हमको दबा के किसने रखा है। ये लोग YouTube में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बात करेगा, फेसबुक में बात करेगा, कौरबुक में गरीब गरीब एरिया में रईसाबारी में जाके बड़ा बड़ा बात करेगा, कंचनपुर में जाके बड़ा बड़ा बात करेगा। कंचनपुर से 2 किलोमीटर आगे जाओ, स्वास्थ्य समिति नागरिक सुरक्षा का मंच के सामने चुप बैठता है। अगरतला में हिम्मत नहीं है रैली करने के लिए, लेकिन एमपी में करबुक में अपना टिपरा शाह को बोलेगा, अरे टिपरा मोथा खराब है, टिपरा मोथा खराब है, चलो हम लोग खराब है। आपने क्या किया, आपने क्या किया? हिम्मत है बोलने के लिए कि अपना टिपरा शाह को अपना ही जमीन में नीचे किसने रखा है? टिपरा मोथा में आपका बॉस टिपरा शाह है, आपके पार्टी में आपका बॉस कौन है? हिम्मत नहीं, लेकिन हिम्मत मिलता है। सौदागर खराब है, जितेन खराब है, फिलिप खराब है, देवजीत खराब है, जेम्स खराब है, बीर खराब है, डोनाल्ड यू आर बैड, पितौर यू आर बैड। कभी बोल सकता है कि अगरतला में कौन खराब है? कभी दिल्ली जाके बोल सकता है दैट वी आर नॉट सीपीएम, वी आर नॉट बीजेपी, वी आर नॉट कांग्रेस, वी आर टिपरा शाह फर्स्ट? ये हिम्मत है बोलने का आपको? नहीं, हिम्मत नहीं, क्योंकि पैसा खा के बैठा है। मुझे अगर फाइट करना है ना, मैं वेट कर रहा हूं, मैं भी वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, लेकिन मुझे आपका यूथ का सपोर्ट चाहिए। जैसा इन लोगों को, यूथ को मैंने चांस दिया है, जैसा एक सुहेल है, जैसा एक पोल, जैसा एक सौदागर, देवजीत, विश्वजीत, मानव, आपके लिए मैंने फाइट किया। क्योंकि मैंने आपके लिए फाइट किया, 5-6 सीनियर लोग पार्टी छोड़ के चला गया, लेकिन इनको, यूथ को चांस दिया। पितौर, यू थिंक आई विल नॉट गिव यू अ चांस? जेम्स, यू थिंक आई विल नॉट गिव यू अ चांस? तपन, यू थिंक आई विल नॉट गिव यू अ चांस? आई विल गिव यू अ चांस, बट देर आर पीपल जिनको यूथ को चांस देने का मन नहीं। अगर मैंने उनको चांस दिया तो रविंद्र बाबू को भी मैंने चांस दिया। बैलेंस करना था यूथ एंड सीनियर, लेकिन ये लोग यूथ को कभी चांस नहीं देगा, यूथ को सिर्फ सामने रखेगा, हटाई कोतौर में यूथ को हंगर स्ट्राइक कराएगा, लेकिन इलेक्शन के टाइम 7 सीट में फाइट करेगा, 8 सीट में फाइट करेगा, उसमें भी 95% जो इसका टाइम गया। Whose future is in under threat? किसका फ्यूचर आज थ्रेट में है? किसका जमीन आज जा रहा है? और बुबागरा किसी से डरने वाला नहीं, किसी से डरने वाला नहीं। किसी ने उस दिन फोन किया, बोला आप अलायंस पार्टनर है, उसके खिलाफ बोलो। मैं क्यों बोलो? मैं किसके खिलाफ क्यों बोलूं? मैं उन्हीं के साथ हूं जो टिपरा शाह, ग्रेटर टिपरा लैंड, टिपरा हा अपना जाति, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा। मैं उनके साथ हूं, मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मेरा दोस्त वो है जो टिपरा शाह को कुछ देगा। नहीं दिया तो मेरा रास्ता क्लियर है।
आई डिड नॉट कम टू पॉलिटिक्स टू मेक मनी, मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया। आई हैव कम हियर टू गिव समथिंग टू माई इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड आई एम टेलिंग यू दिस। टीपरा माथा को तोड़ने गया तो मैं उनको भी तोड़ दूंगा एंड आई नो हाउ टू ब्रेक देम, आई नो हाउ टू ब्रेक देम, मैं जानता हूं। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट, कार्बी आंगलोंग हो, खासी गारो जयंतिया हिल्स हो, दिमासा हासा हो, बोडो हो, ये लोग सब अपना लैंड के लिए फाइट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? डरता है, वी आर स्केर्ड बिकॉज यू आर इधर बीजेपी, यू आर कांग्रेस और यू आर अलायंस पार्टनर। त्रिपुरा मथास अलायंस पार्टनर, बट त्रिपुरा मथास फर्स्ट अलायंस इज विद द कम्युनिटी, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम दिल्ली। दो मिनट में अगर आपने नहीं दिया, 2 मिनट में मैं अपना स्टांस क्लियर कर दूंगा। और कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूं, वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया। आसाम में रोज बांग्लादेश से लोग आ रहा है, आसाम में रोज बांग्लादेश से लोग आ रहा है। वहां का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, ही से हम बांग्लादेश का लोगों को आसाम में आने नहीं देगा, बोलता है कि नहीं? त्रिपुरा में बोल के देखो, ना 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 बोलो ना। क्यों? रोज न्यूज़पेपर खोलो, रेलवे स्टेशन में 12 लोग पकड़ा गया, एयरपोर्ट में 10 लोग पकड़ा गया, हर 20 लोग जो पकड़ा जाता है ना, 800 लोग घुसता है, कोई पकड़ता नहीं है। किसका जमीन में बैठ रहा है वो लोग? अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सबसे पहले आपको त्रिपुरा को बचाना पड़ेगा, ये एंट्री गेट है इंडिया के लिए। अगर आपको, इफ यू वांट टू सेव असम, जो मुख्यमंत्री बोलता है मुझे असम को बचाना है, तो त्रिपुरा को पहले आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। और सबसे पहले फ्रंट लाइन में वी त्रिपुरा पीपल आर द फ्रंट लाइन। नहीं हो रहा है, इज नॉट हैपनिंग। ड्रग्स आ रहा है, एड्स में हम लोग का यूथ मर रहा है। क्यों? हम लोग लेबोरेटरी है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो रियलाइज वन थिंग, जब शांति रहता है, वेन वी आर पीसफुल, एंड मीडिया प्लीज कवर मी, वेन वी आर पीसफुल इन नॉर्थ ईस्ट, Nobody listens to us. When we are peaceful, जब शांति है कोई सुनता नहीं हमारे बारे। जिस टाइम कुछ झगड़ा हुआ, वायलेंस हुआ, सब लोग आ जाता है, अरे रे 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 रे, मत करो, पैसा दो पैसा दो। तो मतलब you are rewarding violence and you are not giving peace a chance. वायलेंस हुआ मणिपुर में, राहुल गांधी 3 बार आ गया। वायलेंस हैपन, अमित शाह के, मीडिया के, नाउ इन द पार्लियामेंट, मणिपुर। आई सपोर्ट द पीपल ऑफ मणिपुर, आई वॉन्ट पीस इन मणिपुर। हू डिवाइडेड मणिपुर? Politicians who are looking for their personal drug money, politicians divided Manipur. Who is dividing Tripura? Who is trying to divide Tripura? क्या त्रिपुरा तिपरासा को छोड़ के आप डेवलप कर सकता है? कर सकता है? तो यह बात क्यों नहीं करता कोई?
प्रद्युत खराब है, ये खराब है, ठीक है मैं खराब हूं, मुझे मार दो, पिपरासा का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता है कि आज हम लोग का थानसा खतरे में क्यों है। मैं आपको बोलूं, यू वॉन्ट टू नो, इफ तिपरासास रिमेन यूनाइटेड, बीजेपी 303 से 240, इंडिया 100 से 240 हो गया। 2028 में अगर तिपरासा एक रहा ना, हम लोग फैक्टर बनेगा। एक रहा तो दोनों तिपरा मोथा को, तिपरासा टूटेगा, फैक्टर नहीं रहेगा, बुकुंग बारा का कुछ नहीं मिलेगा। डिवाइड एंड रूल, यहां में हम लोग का कुछ लीडर्स है, आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल ऑफ यू, पर आप लोग फेसबुक पे लिखते रहते हैं, आपको लगता है कि आप लीडर बन रहा है, 5-10 चमचा लोग कमेंट करता है, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहा है ना आप लोग, जो दबाना चाहता है लोग बोलता है देखो देखो फाइटिंग होते से शेष हो जाए, आपको लगता है कि हम लीडर बन रहे हैं, कुछ नहीं होता। करबुक जीतने से आप त्रिपुरा नहीं जीतेगा, चरलाम जीतने से आप त्रिपुरा नहीं जीतेगा, ओमपी जीतने से आप त्रिपुरा नहीं जीतेगा, मनु जीतने से, मनु में आप हीरो है और सब जगह में आप मनु में जीता और सब जगह में जीरो है, नहीं जीतेगा अपना त्रिपुरा। व्हाई आई यू नीड टू ट्रस्ट योर लीडर्स, आई नो यू ट्रस्ट मी ना, द प्रॉब्लम इज लीडर्स स्टॉप फाइटिंग विथ योर सेल्फ, यू विल गेट नथिंग, साइनबोर्ड बन के रह जाएगा। त्रिपुरा में हर 5 साल बाद नया रीजनल पार्टी निकलता है, क्यों नहीं रह सकता है 10 साल तक रीजनल पार्टी, 15 साल तक, 20 साल तक, क्यों एक इलेक्शन के बाद साइनबोर्ड हो जाता है, 1 सीट 0 सीट 2 सीट, क्यों? तिपरासा तिपरासा से फाइट करने लगता है। और हम लोग क्यों फाइट करता है बोलो, टेल मी व्हाई डू वी फाइट, थानसा को तोड़ना है ना, तो रुपया बंद कर दो, किसी का थानसा तोड़ना है ना उदय, तो नल में पानी बंद कर दो, जब घर में पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तो भाई भाई भी फाइट करता है, भूखा पेट में, जब किसी का पेट में भूख आता है ना, तो एक रोटी के लिए भाई भाई से फाइट करता, करता कि नहीं? हाँ, जब नौकरी नहीं मिलता है तो घर में टेंशन होता है कि नहीं, बीवी और पति का? अगर 2 बच्चा है घर में, उसको खिलौना चाहिए, मां या बाप कुछ दे नहीं सकता है, तो बच्चा लोग फाइटिंग करता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो हम लोगों का बाप क्या है आज के दिन? स्टेट है। पैसा बंद कर दो, पैसा बंद करेगा फ्रस्ट्रेशन होगा, वीसी इलेक्शन नहीं होगा तो गांव में पैसा नहीं आएगा, आदमी फ्रस्ट्रेटेड होगा, गांव में आपका थाल चौरा में तिपरासा तिपरासा ही फाइट करेगा और तो कोई नहीं है, वीसी इलेक्शन वीसी जगह में तो तिपरासा ही है ना, ओमपी में पाठान आप यहां में है सौदागर है, ओमपी में पैसा नहीं आएगा, आप गुस्सा होगा तो आप कहां अगरतला के फाइट करेगा? नहीं ना, ओमपी में ही फाइट करेगा। जब फाइटिंग शुरू होगा, पाठान भूखा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सौदागर भूखा, फाइटिंग हुआ, अगरतला का न्यूज़पेपर में क्या आएगा?
ये नहीं आएगा कि पठान भूखा था, सौदागर भूखा था, तिपरासा भूखा था, ये नहीं आएगा न्यूज़पेपर में। मीडिया प्लीज कवर इट। क्या आएगा न्यूज़पेपर में? कॉलोनी वर्सेस जमतिया। राइट? रियांग, अपना रियांग हम हमेशा बोलता है, रियांग को, रियांग के अंदर सबसे कम थामसा क्यों है? टेल मी उदय, टेल मी फिलिप, व्हाई? ओपनली बोल रहा हूं, बिकॉज रियांग सबसे गरीब है, और गरीब को तोड़ना है ना तो उसको 100 रुपया देकर भाई को भाई से लड़ा सकता, क्योंकि भूख है पेट में। तो जो सबसे गरीब है वो सबसे पहले उनको तोड़ने का कोशिश किया जाता है। यू नो व्हाई रियांग इज सफरिंग सो मच? आई टोल्ड दिस टू माय पीपल, आई सेड आई लव माय रियांग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माय ब्रू पीपल, आई फॉट फॉर यू, आई फॉट फॉर यू, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। रियांग हैज टू लव रियांग फर्स्ट। टूडे यू आर सांगरोमा, यू आर ब्रू मोथो, यू आर YBA, यू आर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो यूनिटी। इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, योर सुरक्षा मंच इज गोइंग टू गिव यू डंडा एवरी टाइम, एवरी टाइम, बिकॉज देयर इज नो यूनिटी। You will kill yourself. Nobody will kill you. You will kill yourself. और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। थानसा चाहिए ना आपको? थानसा चाहिए तो आपके पास इकोनॉमिक पावर भी होना होगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमको फंड्स दो। दुनिया में, प्लीज लिसन टू मी carefully, please listen to me carefully, सबसे ज्यादा यूनिटी किसके पास होता है दुनिया में? जूस, मारवाड़ीस, गुजरातीस, पारसीस, टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला, गोयनका, द जूश पीपल, ठीक है? और सबसे गरीब कौन होता है पूरा दुनिया में? ट्राइबल्स, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, अपना त्रिपुरा में हो, आसाम में हो, अफ्रीकन्स, पूरा अफ्रीका को किसी और ने कैप्चर करके रखा है। क्यों? यूनिटी हमेशा अमीर लोगों के पास रहता है और डिवाइडेड हमेशा गरीब रहता है। आपने कभी सोचा है कि जो सबसे गरीब है उसके बीच में कभी भी यूनिटी नहीं रहता है, और जो अमीर है उसके पास? आपने कभी नहीं देखा ना अदानी और अंबानी फाइट कर रहे हैं? कभी नहीं देखा ना कि टाटा और बिड़ला फाइट कर रहे हैं? लेकिन यहां में कमलपुर का देवबर्मा ख्वाई का देवबर्मा से फाइट कर रहे हैं, वैशा भरी में जमातिया त्रिपुरा फाइट कर रहे हैं, चौराई रियांग फाइट कर रहे हैं, जम्पू जला ताकर जला के बीच में राइवलरी। हम लोग गरीब है ना, हम लोग के सामने एक 100 रुपया दे के बोलता चलो फाइट करो, जो जीतेगा उसको 100 रुपया मिलेगा। ठीक बोल रहा कि नहीं? क्यों फाइट करे हम लोग 100 रुपया के लिए? ये भी मेरा भाई, मैं भी मेरा भाई, हमको 200 रुपया दो, हम लोग दोनों के पास 100। यही तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, ये बात
सिर्फ यूथ समझ सकता है. ओनली द YTF कैन अंडरस्टैंड दिस. दिस जिनका टाइम गया उनको समझ में नहीं आएगा. पूरा जिंदगी फाइट किया, कुछ नहीं. आज फिर से कभी जाति के नाम में, कभी कॉकपोरॉक काउब्रू के नाम में, आज नया चीज निकला. यू आर क्रिश्चियन, ओके ओके ओके, दे हिंदू. नो, वी आर नॉट चेप्टा, वी आर बुकुंगवारा, वी आर नारबुंग फर्स्ट. बट नो, यू आर क्रिश्चियन, यू आर हिंदू. वी आर तीप्रासा फर्स्ट. ये फिलॉसफी रखो, कुछ नहीं मिलने वाला ये सबसे. ये कौन डिवाइड करा रहा है? तीप्रासा अगर गरीब रह रहा है तो किसका फायदा हो रहा है? नहीं नहीं, नाम लो. किसका फायदा हो रहा है? बीजेपी नहीं, CPM नहीं, कांग्रेस नहीं. कौन दबा के रखा है? और अगर आप लोग ये बात नहीं समझ पाते, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, द इंडिजिनियस पीपल, नॉट ओनली इन त्रिपुरा, द इंडिजिनियस पीपल विल बी ऑलवेज डिप्राइव्ड इन देयर ओन लैंड. पूरा इंडिया में देख लो, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, नागालैंड में देखो, आसाम में, कार्बी आंगलोंग में देखो, दिमासा हसाओ में देखो, बोरोलैंड में देखो, मेघालय में देखो, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंत हिल्स में देखो, सबसे ज्यादा सीमेंट, कोयला, गैस, पेट्रोल किसके जमीन के नीचे है? किसके जमीन के नीचे है? इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल के जमीन के नीचे है कि नहीं? और पैसा कौन कमा रहा है? क्या एक ONGC का चेयरमैन त्रिपुरा का नहीं है, मेघालय का है, कार्बी आंगलोंग का है? कोई एक ट्राइबल बना झारखंड में हमारा ट्राइबल लोगों का नीचे से, जमीन से आयरन ओर निकाला जा रहा है, माइंस में निकाला जा रहा है, कोई को हम लोग मजदूर बन रहे हैं, मजदूर रेगा कर रहा है, पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है? हम लोगों का जमीन, हम लोगों का रिसोर्सेस, हम लोगों का परदादा का जमीन, आप लोग बाहर से आके हमारा जमीन से सब कुछ ले जाता है. और जब हम लोग बोलता है कि हम लोगों को पैसा दो, ओए क्यों पैसा मांगा, ये तो उग्रपंथी है. बुबागरा कुछ बोलता है, ए देखो बुबागरा कॉम्युनल, तुम हम लोगों का जमीन से ले जाता है, क्या हमको 50% नहीं मिल सकता है? क्या हमारा लोगों को 50% मांगने से आपको प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, ये लोग हम लोगों का लोगों को बोलेगा, भाई एसोसिएशन बनाओ, भाई ग्रुप बनाओ. अगर मनु में गैस का कोई कर रहा है, ओमपी में कोई कर रहा है, सौदागर को कौन रोकेगा? पुरनो आपका एरिया में अगर कोई माइनिंग करता है, कौन रोकेगा आपको? आप ही का तीप्रासा को रुपया देकर ये लोग बोलते हैं, रुपया लो जाओ मारो, इनको अपोज करो हम लोगों को तोड़ने के लिए. आपके खुद सामने नहीं आएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? खुद सामने नहीं आएगा. इसको इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता है, यू नो व्हाट इज द वर्ड इन इंग्लिश? एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. मैंने एग्रीमेंट साइन किया,
मैं दिल्ली में जाकर ये सब बात करूंगा, और मेरा बात नहीं माना तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने आप अपने लोगों को कुछ नहीं दे पाया तो पावर में रहने का कोई फायदा नहीं। आई वॉन्ट लीव एंड आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू हियर, धीरेन्द्र, पानी नहीं मिलता, याद है लास्ट टाइम वहां में हुआ था? अगर अपना लोगों को कुछ नहीं दे सकता ना, तो खोल दो पूरा अपना तिजोरी, एडीसी का पूरा तिजोरी खोल दे दो। हारेगा तो हारेगा, लेकिन एटलीस्ट दिल में कुछ तो सुकून होगा कि हमने अपना लोगों को कुछ दिया। लेकिन दर दर के खुशी करके हार नहीं है तो मन का काम करके हारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट सोएगा तो ठीक से सोएगा रात में, माय कॉन्शियंस विल बी क्लियर। आई लव ऑल ऑफ यू। और जब मैं पॉलिटिक्स में आया था ना, मैं इतना नहीं जानता था आज जितना जानता हूं। पहले मुझे लगता था ये अच्छा है वो खराब है, ये अच्छा है वो खराब है। एक्चुअली हम लोग सब सिंपल है, हम लोगों को ऐसा बनाया गया है। 70 साल से हम लोगों को डिनाई करते करते डिनाई करते करते हम लोगों का सोच को भी उल्टा कर दिया। हम लोगों को अपना सोच को बदलना पड़ेगा। कोई बोलता है महाराजा अग्रीमेंट साइन हुआ, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्या मैं 2 दिन में अग्रीमेंट का सेटलमेंट कर दूं? कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया को भी अंग्रेज को हटाने के लिए 200 साल लगा। 95% इंडिया था, 5% इंग्लिश था, तभी भी 200 साल लगा। हम लोग तो 30% है। अग्रीमेंट में बहुत लोगों ने बोला आपको सब मिल जाएगा, आप तिप्रालान का डिमांड को छोड़ दो। बोला नहीं, सब चीज डिस्कशन होगा, सब चीज डिस्कशन होगा, और आपका सरकार नहीं देगा तो किसी और का सरकार देगा। लेकिन हम किसी का मेहरबानी में नहीं है। एंड इफ यू आर इंटेलिजेंट, अगर आप लोग समझदार हैं, तो समझदार को इशारा ही काफी है। और मैं किसी के संग किसी को खराब नहीं बोलने वाला हूं। कोई फोन करके बोलता है कि कांग्रेस के अगेंस्ट बोलो, मैं क्यों बोलूं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अगेंस्ट? उसने तो मुझे कभी खत ही नहीं किया। एक दिन उनका दरकार पड़ सकता है, बात करूंगा। कोई फोन करके बोलता है कि मोदी जी को गाली बको, अमित शाह को गाली बको, क्यों? हमारा ब्रू कोड अमित शाह जी ने किया, मैं क्यों खराब बोलूं? तिप्रासा अग्रीमेंट में अमित शाह ने मुझे फोन करके किया, मैं क्यों खराब बोलूं? हमको डिनाए ना राहुल गांधी ने किया ना अमित शाह ने किया, हमको डिनाए जिसने किया। मैं जानता हूं किसने हमको डिनाई किया, दिल्ली ने नहीं किया, यहां के लोगों ने हमको डिनाई किया। तो मैं अपना लड़ाई किसी और के साथ नहीं करूंगा, यह मेरा पॉलिसी है। ठीक है कि गलत है? मैं अंधा बन के जय जय नहीं बोलने वाला हूं, मैं अंधा बोल के नहीं बोलने वाला। ए तुम्हें क्रिश्चियन, तुम्हें हिंदू, नहीं, हम महाराजा वीर विक्रम का सिद्धांत में चलता है। महाराजा वीर विक्रम नहीं देखता था आपका धर्म क्या है, महाराजा वीर विक्रम नहीं देखता था कौन रियांग है, कौन चमत्या है, कौन देवबर्मा है, कौन कलोय है, कौन काइपेन है, कौन नुआत्या है। महाराजा वीर विक्रम अपना देश के बारे, अपने लोगों के बारे सोचता था। उनके घर में उसने सुअर खाया, मच्छी खाया, कुत्ता खाया कि मुइया खाया, हमारा काम नहीं है।
कि गले में क्रॉस है कि ओम है। हमारा काम है अपने जाति को बचाना, अपने जाति को एक अच्छा कल देना। YTF, oh my YTF, ये लोग नाटक कर रहा है, दिल्ली जाएंगे, ये करेंगे। रुनिल, यू हैव बीन अ गुड प्रेसिडेंट, 3 साल आपने दिया, अब आपको मैं सीनियर पार्टी मिला, पोस्ट लेके ला रहा हूं। और यहां में बहुत लोग हैं जो आज बोलेगा मेरा क्या होगा बुबाग्र, आप सबका मैं चिंता करता हूं। ये यहां में पितौर, आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू डिड फॉर मी। वीर, आप नहीं जीता, टिकट तो दिया मैंने। हॉली दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। कोई और पार्टी ज्वाइन करो, नहीं मिलेगा। जब तक आप 55-60 का नहीं होगा ना, आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। आप तब तक यूथ का प्रेसिडेंट रहेगा। जब तक चमचागिरी नहीं करेगा, नहीं, मुंडा जी कुछ नहीं मिलने वाला आपको, जोहर जोहर बोलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा।